अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मन अच्छा का नॉवल मन आज हम का पार्ट 66। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहाँ जा रही है? अरहान ने उसे टैक्सी में बैठते देखा तो कहा। शहर के किसी अच्छे होटल की तरफ ले जाए, अमल ने टैक्सी ड्राइवर से कहा था। उस टैक्सी वाले का पीछा करे, अरहान ने अपने टैक्सी वाले से कहा था। मैनचेस्टर के सबसे अच्छे और महंगे होटल के सामने टैक्सी रुकते वो उतरी थी और अंदर की तरफ बढ़ी थी। हेलो, मुझे एक रूम चाहिए सुबह तक, उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा था। योर नेम मैम, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा था। अमल अरहान कबीर मलिक, उसने बताया था। फिर अपना आईडी कार्ड दिखाया। कुछ और इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसे रूम मिल गया था। अमल यहाँ क्या कर रही है? होटल की लॉबी में बैठे हयात मलिक ने उसे देखते बड़बड़ाते हुए कहा था। वो वहाँ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जब उनकी नज़र अमल पर पड़ी थी। वो अब लिफ्ट की तरफ जा रही थी। हेलो मैम, अभी मेरी मिसेस ने रूम बुक करवाया होगा, क्या आप मुझे उस रूम के बारे में बता सकती हैं और डुप्लीकेट कीज़ दे सकती हैं? अरहान ने रिसेप्शनिस्ट से कहा था। सॉरी सर, बट उन्होंने नहीं बताया कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ रुकने वाले हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। एक्चुअली मैं बाहर ही था, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने उससे कहा था कि अंदर जाकर रूम बुक करवाए, मैं आता हूँ। एक्चुअली मैं टैक्सी ड्राइवर को पे कर रहा था, फिर अपना सामान लेकर अंदर आया। उसने हंसते हुए दिल फेंक मुस्कुराहट रिसेप्शनिस्ट की तरफ उछाली थी, जिससे उसकी गालों पर पड़ने वाले दोनों गड्ढे उभरे थे। सर, कैन आई सी योर आईडी कार्ड, रिसेप्शनिस्ट ने नरम लहजे में कहा था। यस श्योर, अरहान ने वॉलेट निकालकर अपना आईडी कार्ड रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाया था। अरहान कबीर मलिक, ओके ये ले की एंड हैव अ वंडरफुल नाइट, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके आगे की रखी थी। थैंक्स मैम, गॉड ब्लेस यू, कैन यू टेल मी द रूम नंबर प्लीज, उसने रूम नंबर के बारे में पूछा था। यस श्योर, इट्स 206, रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए बताया था और वो सामान लेकर उस रूम की लिफ्ट की तरफ बढ़ा था और दूर बैठे हयात मलिक की गुस्से से रगे तनी थी। यकनाशुत दोशुत, यानी सब आहिस्ता आहिस्ता इधर ही डेरा जमाने के लिए पहुंच गए थे। अरहान और अमल को देखकर हयात मलिक की आधी जान फना हुई थी। दिल किया था उठकर जाएं और अमल को फौरन से पहले शूट करते हैं, ऐसा ही करने वो वाले थे, मगर फिर जैसे ही अरहान को देखा अपनी सारी उम्मीदों और सारे प्लान पर पानी फिरता नजर आया। अब ये तो तय था कि वो उन दोनों के इस होटल में होते हुए अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल सकते। वो कमरे में आई थी, फिर हैंडबैग उतार कर बेड पर फेंका था, आंसू रवानी से बह रहे थे। आई एम सॉरी अरहान भाई, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं उसके साथ मजीद इस रिश्ते को नहीं निभा सकती, जानती हूँ आपने उनको ज़बरदस्ती समझा कर यहाँ बुलवाया होगा, मगर जो अपनी मोहब्बत की बात नहीं समझे और अपनी मोहब्बत को खुद से दूर किया, अब वो समझौते के रिश्ते के लिए ही आए होंगे और मुझे समझौता नहीं चाहिए, मुझे उनकी मोहब्बत चाहिए, बेपनाह मोहब्बत जो बेलोस और बेगर्स होकर उन्होंने मुझे उस दिन सौंपी थी। मगर शायद मेरी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं, इसीलिए तो मैं ऐसे हर बार अपनी मोहब्बत के आगे जलील और रुस्वा हो जाती हूँ। पहले सनान, फिर अरहान। सनान ने मुझे धोखा देकर मेरी मोहब्बत का गरूर मुझसे छीना, तो मैंने अरहान को मोहब्बत में बेएतबारी बख्श कर उसकी मोहब्बत का गरूर उससे छीन लिया। बात तो एक ही हुई, दोनों तरफ से हसारा मेरे हाथ ही आया। वो फूट फूट कर रो रही थी। अलीहा, तुमने क्यों बताया अरहान भाई को, ये तो सीक्रेट था ना हमारा, मैंने तो तुमसे बस यही कहा था कि तुम प्लीज़ किसी को ना बताया और तुमने मेरे कहे कि इतनी सी भी लाज ना रखी। वो गोद में सर रखे बच्चों की तरह बिलक रही थी, दुपट्टा उसका बेड से थोड़ा ऊपर बाकी का सारा नीचे लटक रहा था। अरहान ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखे थे, अपना बैग दबे कदमों वो उठाता अंदर लाया था और सोफे के पास रखा था। सामने दुश्मन जा गुठरी बनी घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रही थी। अरहान ने उसकी हालत देखकर नफी में सर हिलाया था। आई हेट यू मिस्टर अरहान कबीर, आई विल नेवर फॉरगिव यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू, उसने लरसते हुए टूटे फूटे अल्फाज अदा किए थे। सर अभी भी घुटनों में दिया हुआ था। रियली यू हेट मी, उसने चेहरे पर थकी सी मुस्कुराहट सजाए सीने पर दोनों हाथ बांधे कहा था। अमल ने उसकी आवाज़ सुनकर चेहरा उठाया था और सामने खड़े अरहान को बेयकीनी के साथ देखा था, जो सीने पर हाथ बांधे अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ खड़ा अपने हल्के से डिम्पल शो करवाता उसकी आधे से ज़्यादा हस्ती हिला गया था। अरहान, वो झटके से बेड से उठी थी, बेयकीनी से अरहान को देखा था, फिर अपना हैंडबैग बेड से उठाया था और बाहर जाने के लिए कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। उसने हड़बड़ी में दुपट्टा भी नहीं लिया था, बस वो वहाँ से खुद को गायब कर देना चाहती थी। उसके पास से गुजरती वो रूम से बाहर जाने के लिए अगला कदम आगे बढ़ाने वाली थी, जब अरहान ने खींच कर उसे अपनी तरफ किया था और वो किसी कटी शाख की तरह उसके सीने से आ लगी थी।
अरहान की इस अचानक लम्स से उसने अपनी आंखें शिद्दत से बंद की थी, जबकि जिस्म कांपने लगा था। किधर जा रही थी? हाँ, उसने गुस्से से कहा था, छोड़े मुझे, यू हेट मी ना, आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी ना, तो छोड़े मुझे, उसने उसकी पनाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा था, जबकि जिस्म उसका हनूस कांप रहा था। रिलैक्स, उसने उसकी हालत के पेश नज़र उसकी कमर से हिलाई थी। आहिस्ता आहिस्ता, छोड़े अरहान, उसने उसका हसार तोड़ने की कोशिश कर फिर से कहा था। गुस्ताखियाँ इतनी करो जाने अरहान, जितनी अपनी छोटी सी जान पर बर्दाश्त कर सको, उसने उसके कान के पास सरकोशी करते हुए कहा था और फिर उसके कान की लो को चुमा था। डोंट टच मी अरहान, कबीर मलिक, उसने गुस्से से उसके लम्स पर लरसते हुए कहा था। ओ रियली, बट आई वॉन्ट टच योर सोल, आई वॉन्ट टच योर ब्रेथ, आई वॉन्ट टच योर हार्ट बीट्स, उसने गंभीर लहजे में उसकी गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ते हुए कहा था और उसने शिद्दत से आंखें बंद की थीं। उसके हर लम्स पर वो लरस रही थी, कांप रही थी, उसकी जान फना हो रही थी, उसके रोने में भी उसके कांपने के साथ शिद्दत आ रही थी और अरहान को उसकी हालत देखकर गुस्सा आ रहा था। कोई क्या खुद पर इतना जुल्म करता है, उसने गुस्से से सोचा था। फिर उसकी गर्दन पर दांत गाड़े उसे बेबस कर गया था। वो उसके सीने पर हाथ रखे, उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े, उसके दिए मीठे दर्द पर सिसकी लेते तड़प उठी थी। नरमी से उसके बाल उसकी गर्दन से हटाते उसने उसकी नाक के साथ नाक जोड़ी थी। खुद पर इतने जुल्म की वजह, इतनी गुस्ताखियाँ खुद के साथ कर गई हो ना अमल, अरहान कबीर मलिक, अब मेरी दी गई हर सजा के लिए तैयार रहना, उसने कहते ही उसके कान की लो को पूरी तरह दांतों तले दबाया था और वो दर्द से बिलबिला उठी थी। अरहान ने फौरन से पहले लब उसके माथे पर रखे थे, घर से अकेले निकलने की वजह, अगर कुछ हो जाता तो, उसने परेशानी से उससे अपने साथ लगाते हुए पूछा था। हो जाता जो अब हो रहा है, इस होने से तो बेहतर था, एटलीस्ट इस समझौते और हमदर्दी के रिश्ते से तो बच जाते, इनफैक्ट अच्छा होता कि मर जाती, आपकी भी जान छूट जाती। उसके हिसार में नरमी आते ही उसने उसका हिसार तोड़ते हुए रोते और चीखते हुए कहा था, शट अप अमल, अरहान कबीर मलिक, मुझसे तो तुम्हें मौत भी जुदा नहीं कर सकती, किस गुमान में फिर रही हो, मत भूलो कि अरहान कबीर मलिक को तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया है, खुद को अजियत देना बंद करो, उसने उसकी रेड होती नाक सूजी हुई आंखें देखते कहा था। कौन सी हिफाजत, कैसी हिफाजत, अब याद आ गई हिफाजत, उस वक्त हिफाजत कहाँ गई थी जब मुझसे दस्तबरदार होने के लिए आप मचल रहे थे, इन हाथों को जोड़कर आपसे माफ़ी मांगी थी, अपनी मोहब्बत मांगी थी, बदले में मुझे क्या सौंपा आपने, ये कि जाओ अमल मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अजहान भाई के कहने पर आप जिस समझौते और हमदर्दी के रिश्ते को निभाने आए हैं, तो आज अमल अरहान कबीर मलिक आपको पूरे दिल से कहती है कि आप किसी के भी दबाव में आकर इस रिश्ते को निभाने की बजाय कहीं और शादी करके अपनी दुनिया बसा लें और मुझे अकेला छोड़ दें, मैं रह लूँगी, मेरे लिए मेरी मोहब्बत काफ़ी है, बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे डाइवोर्स मत दें, उसने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए तड़पते रोते हुए कहा था। जब इश्क किया तब चोट लगी, जब चोट लगी तब हम रोए, जब जिस्म जला तब जान पे बनी, जब जान पे बनी तब हम रोए, जब लोग बुरा कहते थे हमें हम सुनकर चुप हो जाते थे, जब उसने कहा तब आन गई, जब आन गई तब हम रोए, जब मन के अंदर कुछ टूटा तब कूचा जान में शोर हुआ, जब शोर हुआ तब बात बढ़ी, जब बात बढ़ी तब हम रोए, कुछ यादों को बाहों में लिए एक उम्र बसर की सपनों में, जब टूट गया तब आस मिटी, जब आस मिटी तब हम रोए, एक मुद्दत दर्द जैसे बना, उस दर्द की शमा को खून दिया, जब खून ना रहा तब शमा बुझी, जब शमा बुझी तब हम रोए। अरहान ने सामने खड़ी लड़की को देखा था जो अजियत की इंतहा पर थी, ब्लैक फ्रॉक पहने, गीले चेहरे, सुर्ख नाक, सुर्ख लब, लरसती नम पलकें और हलकोरे लेता जिस्म, चेहरे और गर्दन पर आंसू बहने की वजह से गर्दन गीली और चेहरे पर चिपकी हुई कुछ लटे लरसता जिस्म इस बात की दास्तान सुना रहा था कि वो किस कदर उसके इश्क में फना हुई अजियतों की हदों को छू रही है। वो सदके वारी गया था अपनी मोहब्बत की, किसने कहा समझौते का रिश्ता निभाने आया हूँ मैं, उसने हाथ बढ़ाकर उसकी पुश्त को सीने से लगाया था, पीछे से फ्रॉक की डोरियों को मजबूती से पकड़कर पूरी कुव्वत के साथ खींचकर तोड़कर दूर फेंका था, बाल हटाकर दूसरे कांधे पर डाले थे, उसके कांपने में मजीद तेजी आई थी। जान तो तब फना हुई जब फ्रॉक की जिप खुलती महसूस हुई, अरहान, उसने खुश्क हल्क के साथ पूछा था,
मैंने कुछ पूछा है बेगम? उसने अपनी पकड़ मजबूत करते कहा था, छोड़े अरहान कमर पर रिंगता उसका हाथ और जा बजा सफर करते लब। उसकी जान हलकान हो रही थी, शिद्दत से टांगे कांप रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ ना, उसने फ्रॉक को कौंधों से नीचे सरखाते हुए कहा था और अब उसका हाथ उसकी गर्दन से ज़रा नीचे रिंगने लगा था। उसने शिद्दत से रोते हुए पलटते ही खुद को उसकी पनाहों में छुपाया था। उसके सीने में मुँह छुपा कर बिलकते हुए रोने लगी थी। बस खत्म हो गई बर्दाश्त, उसने उसकी कमर पर हाथ बांधते हुए खेरा मजीद तंग करते हुए कहा था, मेरी जान गुस्ताखियां इतनी किया करो कि जितनी मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर सकोगे, फिर मुझसे बचने के लिए मेरे ही सीने में मुंह ना छुपाना पड़े। उसने उसकी गीली आंसुओं से तट गर्दन पर अपने दहकते लब रखते हुए कहा था, क्या चाहते हैं आप? क्या हूँ मैं आपके लिए? हर बार मेरी गलती की सज़ा इतनी बड़ी क्यों देते हैं मुझे? हर बार मुझे खुद से जुदा करने का फरमान क्यों सुनाते हैं? हर बार मेरे हाथ में मुझे आज़ाद करने का परवाना क्यों थमाते हैं? उसने उसके नरम गरम लम्स से बेहाल होते हुए कहा था, हर बार तुम गलतियाँ क्यों करती हो? हर बार मेरे बार को क्यों तोड़ती हो? तुम्हें खुद से दूर करूँ तो मरना चाहूँ? तुम्हारी इन स्टूपिड हरकतों पर तुम्हें अगर एहसास ना दिलाऊं तो क्या करूं? किसने कहा कि तुमको हमेशा के लिए दूर कर रहा था? मैं तो बस कुछ दिन तुम्हें खुद से दूर करके ये एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए। कोई सगा कोई पराया नहीं होता, रिश्ता रिश्ता होता है मेरी जान। उसने उसकी कमर से हिलाते हुए उसके बालों पर लब रखते हुए कहा था, अमल मेरी लाइफ में अगर भाई इंपॉर्टेंट हैं तो तुम भी इंपॉर्टेंट हो। हर रिश्ता मेरी लाइफ में खास मुकाम रखता है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर नशरों को कुछ हो रहा हो और भाई ने मुझे बताने से मना किया हो और उसकी ज़िंदगी का सवाल हो, तो मैं भाई का वादा तोड़कर उसे ज़िंदगी की तरफ लाऊंगा? क्योंकि किसी की ज़िंदगी किसी भी वादे से बढ़कर नहीं होती मेरी जान। हर बात का, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। मैं तुम्हारा लिबास हूँ, तुम्हारा रूहे मन, तुम्हारा अंदर मुझसे शेर तो करती। अपना दुख अपना डर हम मिलकर कोई हल निकाल लेते। क्या तुमने कभी मुझे अपने मामले में सख्त पाया? मैंने तो हर लम्हा तुम्हारी खुशी देखी। हाँ मैं मानता हूँ भाई ने गलतियाँ की हैं, मगर हदायत भी तो फिर उन्हें मिली, उनके हिस्से में ज़ारा आई। उसने नरमी से प्यार से उसकी कमर को सहलाते उसे खुद में भिनचे कहा था और वो उसके हर हर लफ्ज़ पर ईमान लाती बेआवाज़ आंसुओं से रो रही थी। जाना मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने ज़बरदस्ती निकाह किया, पर मैं भी तो दिल के हाथों मजबूर था। उसके बाद कभी कोई जुल्म किया अपनी रेड चिली पर? हर बार तुमने ही इस दिल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, इस दिल पर निश्तर चलाए हैं अपनी जुल्मियत के। उसने आखिर में शरीर लहजा अपनाते उसको पूरे ज़ोर से खुद में भिंचा था। आह उसकी सिसकी निकली थी। आह नहीं सॉरी, उसने उसके गिर्द घेरा नरम करते कहा था, किस खुशी में सॉरी आपको बोलना चाहिए इस भरी दुनिया में मेरा हाथ छोड़कर मुझे दूर भेजने पर? उसने नम पलकों को उठाकर कहा था, अच्छा ठीक है, मगर फिर मैं सॉरी अपने स्टाइल से बोलूंगा। उसने उसके सुर्ख लबों पर निगाहें जमाते हुए कहा था, हेट यू अरहान, यू डोंट हैव टू डू दिस विथ मी। उसने उसके नरम हिसार से निकलते हुए कहा था और उसे दूर होने के लिए पीछे को कदम बढ़ाए थे। नो बेगम, पता भी है उस दिन की खुमारी आज तक नसों में चुभन भन कर दौड़ रही है। इतने दिनों का नशा आपके अंदर ना उंडेला तो जहर बनकर नसों में दौड़ते खून को लर्जा जाएगा। उसने गंभीर लहजे में कहते उसकी कमर में हाथ डालकर अपने साथ साथ उसे बैठ पर गिराया था और फिर उसके ऊपर झुककर उसकी कामती टांगों पर अपनी टांगें रखकर उसके चेहरे पर झुककर उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपना लम्स छोड़ने लगा था और वो उसकी सांसों की तपिश, उसके दहकते लम्स, उसकी गुरबत पर आंखें बंद किए लरस रही थी। अरहान उसके सीने पर हाथ रखे थरथराते लबों से उसने उसे होश में लाना चाहा था। डोंट से इट बेबी, जस्ट फील द मोमेंट, जस्ट फील माई ब्रेथ, जस्ट फील माई टच ऑन योर सोल। उसने दहकते लब उसके नरम नाजुक गुलाब की पंखड़ी को जैसे होंठों पर रखते हुए कहा था। हाथों में अपने हाथ उलझाए वो उसके होश उड़ा रहा था और मिनटों में उसे बेहाल कर गया था और वो बंद आंखों से उसकी शिद्दतों पर बेहाल हो रही थी। अरहान आप थक गए होंगे, फ्रेश हो जाएं, पहले कुछ खा तो लें। कांधों से फ्रॉक सिसकती उसके हाथों तक आई और गर्दन से नीचे सफ़र करते लबों के लम्स से बेहाल होते उसने बड़ी मुश्किल से कांपते हुए लफ्ज अदा किए थे, थक गया हूँ तो थकावट दूर कर तो रहा हूँ, फ्रेश भी तुम में खोकर हो जाऊँगा। उसने उसकी थोड़ी पर लब रखते कहा था, और रेड चिली तुम्हें खाना चाहता हूँ इस वक्त बस, और पीना बस अनार जूस चाहता हूँ, वो भी इधर से। उसने उसके लबों पर अपने लब रख
रब करते कहा था और अमल कानों तक सुर्ख होती उसकी बेबाकी पर पानी पानी हुई थी इससे पहले कि वो फिर से उस पर झुकता। मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसे खुद की तरफ खींचा था। हेलो, उसने उस पर झुके ही उसके गर्द हिसार मजबूत करते कॉल रिसीव की थी। मुबादा वो फिर से उसके हिसार से भाग ना निकले। जी भाई मेरे पास है, आप परेशान ना हो। जी हम होटल में हैं। ठीक है, आप अलीहा को बता दें। जी सुबह आएंगे। फिलहाल आपकी इस बहादुर सुपर गर्ल बहन के होश ठिकाने लगाने लगा हूँ। हत और वो भी होला, नामुमकिन। ओके बाय, कहते उसने मोबाइल साइलेंट पर लगाकर बेड की साइड टेबल पर रखा था। आपको शर्म तो नहीं आती, अमल ने गुस्से से घूरते हया से सुर्ख होते कहा था। वो तो उसकी असहान के साथ होती मायनी इस गुफ्तगु पर लाल कंधारी हुई थी शर्म से। तुम्हें आई थी रेड चिली शर्म जब मेरे चेहरे पर अपने लम्स छोड़े थे, उसने उसकी आंखों में देखते कहा था। यू चीटर, आप जाग रहे थे, उसने उसकी बेबाक नजरों को महसूस करते पलके झुकाते कहा था। कौन कमबख्त इतनी हसीन हकीकत पर आंखें खोलकर उससे खराब करता, इतना हसीन इजहार था ना, उसने उसकी गर्दन में गहरा सांस लेते कहा था। आपने मेरे इतने तड़पने पर इतने रोने पर मुझे फिर भी नहीं रोका, उसकी आंखें फिर से नम हुई थी। पागल, रोक लेता तो तुम्हारी अकल कैसे ठिकाने लगती, तुम्हें महसूस कैसे होता कि अरहान कबीर मलिक के बगैर तुम बेमोल हो जैसे मैं तुम्हारे बगैर बेमोल हूँ, उसने उसकी नमपलकों को चूमते हुए कहा था। अच्छा बताओ क्या महसूस हुआ था, मुझसे दूर जाकर उसकी थोड़ी पर लब रखते पूछा था उसने। अरहान, यूँ लगा जैसे मेरी सांसें कोई छीन रहा है, मेरा वजूद बेजान हो रहा था। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, ये दिल वीरान है, ये ज़िंदगी बेकार है। उसकी आंखों से आंसू निकले थे, उसने अरहान की कमर पर बाजू बांधे थे, उससे मजबूती से हक करते कहा था। फिर आपसे मुझे कभी भी आप फिर से मुझे कभी भी ऐसी सजा मत देना, उसने उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए कहा था। रेड चिली, मेरा भी तो सुकून तुम ही हो, खुद से दूर करके तुम्हें मैं भी तो पल पल तड़पा हूँ और अब तो दूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके आंसुओं को लबों से चुनते कहा था उसने। प्रॉमिस, उसने रस्से वजूद को उसकी बाहों में छुपाते पूछा था। प्रॉमिस, उसने वादा दिया था उसको और फिर पूरी शिद्दत से उसके लबों पर छुका था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते वो उस पर रफ्तार रफ्तार हावी हो रहा था और उसे खुद में गुम कर रहा था। उसने उसे मना लिया था, वो मान गई थी। वो अपनी अपनी जगह अपनी की गई गलतियां भुलाकर एक बार फिर से इस हसीन सफर में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े थे। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नॉवेल्स एंड एपिसोड्स। थैंक यू।